का कलेक्शन आई वुड से मैंने लास्ट में 2-3 महीने से जो भी हॉल किया ना उनमें से मेरा बेस्ट कलेक्शन होने वाला है। आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ पक्का से मिल ही जाएगा आपकी दिवाली आउटफिट के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर अमेजिंग मिंत्रा हॉल। वेल, आज का वीडियो बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं ये बहुत दिन से प्लान कर रही थी, विच इज़ शरारा हॉल। यू गाइज, शरारा आर बैक इन ट्रेंड। बॉलीवुड मूवीज़ में देख लो, सेलिब्रिटीज़ को देख लो, इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे शरारा पहन के दिखते हैं। ऑल्सो आज के कलेक्शन में से ही मैंने अपना 2024 दिवाली आउटफिट चूज़ कर लिया है, सो यू नो हाउ मच आई लव दिस कलेक्शन। जो बजट है ना वो मैंने अफोर्डेबल से एक्सपेंसिव के बीच में रखा है। लाइक चीज़ आपको 1000 and 1500 की मिल जाएंगी, एंड अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव कुछ चाहिए 3-4 हज़ार का वो भी मिल जाएगा। सो या आई एम जस्ट सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर टुडेज वीडियो। सो नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट बिगिन विद माय फेवरेट आउटफिट ऑफ दिस हॉल। ऑफ कोर्स आई एम वेयरिंग इट। दिस इज लिटरली माय दिवाली 2024 आउटफिट, विच इज अ बिग विन फॉर मी। लाइक मैं ना बहुत ही ज्यादा लेड बैक पर्सन हूँ, जब भी दिवाली आती है हर साल मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, बट लिटरली मुझे होता है कि मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, मैं ना कंफ्यूज रहती हूँ कि हमेशा सीरियसली दिवाली से 5-6 दिन पहले तक भी मैं ना ढूंढ रही होती हूँ कि मुझे दिवाली पे क्या पहनना है। लास्ट ईयर मैंने लिटरली 2 या 3 दिन पहले एक साड़ी ऑर्डर की थी एंड दिवाली वाले दिन मेरा लिटरली ब्लाउज स्टिच हो गया है, बट दिस टाइम आई एम ऑलरेडी सॉर्टेड। दिवाली से 20-25 दिन पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया है मेरा दिवाली आउटफिट एंड नाउ आई एम जस्ट कंप्लीटली टेंशन फ्री, विच इज दिस वन। यू गाइज, दिस इज जस्ट सो फ्रिकिंग ब्यूटीफुल। इतना ज़्यादा तो प्रिटी लग रहा था ये मॉडल के ऊपर, बट मुझे ना हमेशा डाउट होता है कि जो पिक्चर दिख रही है ये वैसा आएगा या नहीं, बट ये एकदम सेम है। लाइक जैसा दिखेगा वैसा ही मिलेगा, कलर वैसा ही है, डिज़ाइन भी ना मैंने लिटरली जूम कर करके देखा कि जो मुझे पिक्चर के अंदर दिख रहा है और जो मुझे रिसीव हुआ है ना ये वही है क्या, एंड दिस इज़ लिटरली सेम। तो भाई फिर मैं बहुत खुश थी कि क्वालिटी भी ना एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड है ये, लाइक बहुत बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी है पूरे के पूरे कुर्ता के ऊपर एंड स्पेशली ऑन द हेम एरिया। मुझे थोड़ा सा उठा के दिखाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा हैवी वर्क है, थोड़ा बहुत मिरर वर्क भी है, यू नो जरी वर्क भी है, सीक्वन वर्क भी है, इतना प्यारा लगता है। जो गोल्डन है ना, बहुत ही वो चमकीला सा गोल्डन होता है ना, वो नहीं है, बहुत ही प्यारा ना रोज गोल्ड कलर कुछ कुछ होता है ना, वैसी सी कुछ जरी के साथ में वर्क है। आपको यहाँ पे ना ऐसे स्ट्रेप डिटेलिंग मिल जाएगी एंड देन पीछे के साइड से भी इट इज़ जस्ट सो प्रिटी एंड वेरी सेक्सी लुकिंग। बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिस क्रॉस वाली आपको डिटेलिंग मिल जाएगी, थोड़ा सा डीप है डेफिनेटली, बट आई एम वेरी मच कंफर्टेबल वेयरिंग समथिंग लाइक दिस। शरारा है ना वो एकदम प्लेन शरारा ही है एंड मुझे एकदम परफेक्टली फिट हुआ। बाय द वे, इस वाले को मैंने लिया है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज के अंदर एंड इसका फिट एकदम परफेक्ट, लाइक लिटरली इसे मेरे लिए ही स्टिच होके आया है, वैसा वाला फिट आया। काफी हैवी इसके ऊपर यू नो लेस लगी हुई है, आप देख सकते हो पूरे दुपट्टा के ऊपर एंड देन बीच बीच में ना इसमें बूटे भी बने हुए हैं जो कि सीक्वेंट वर्क है। दुपट्टा की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आई थिंक मेरा चूज़ करने का ना रीज़न यही है कि इसके अंदर हर वो एक चीज़ है जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी। लाइक फुल्ली हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड है तो लग रहा है कि हाँ दिवाली आउटफिट है। इसके साथ में ना थोड़ा बहुत इंडो वेस्टर्न टच भी है, एकदम टिपिकल एथनिक वेयर नहीं है। पूरे के अंदर लाइनिंग लगी है तो मुझे ना बिल्कुल चुभ नहीं रहा, क्योंकि मुझे चुभ रहा होता ना तो मैं इसको बिल्कुल नहीं रखती। ये मेरा दिवाली आउटफिट है एंड यू विल डेफिनेटली सी मी वेयरिंग दिस ऑन दिवाली। Totally recommend this. This is the most expensive piece of this haul, but trust me, it is totally worth it. ये मैंने next piece लिया है। Now इसका color आप देखो बिल्कुल dark purple color होता है ना वो है। Detailing इसकी almost काफ़ी हद तक ना same ही है, आप देखो आप strap detailing के साथ में आ जाएगा। Fully ना ये भी embroidered है, बीच में thread work है and यहाँ पे जो आपको दिख रहा है like wow, इसके अंदर जो है ना ये mirror work आपको दिख रहा होगा पूरे पे हो रखा है, but these are not real mirrors and also इसमें भी पीछे के साइड पे सेम वही डिटेलिंग। ये वाला कलर भी ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। इनफैक्ट आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट कि मुझे ना कलर की वाला ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, बट इसके ऊपर जो वर्क है ना वो उसकी वजह से ये जीत गया। शरारा में यहाँ पे जो स्टिच होता है ना, जनरली मुझे इस जगह पे जाके ना शरारा फिट हो जाता है, काफ़ी टाइट होता है एंड बैठने उठने में बहुत दिक्कत होती है। एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में मैंने लिया, ये बिल्कुल मुझे टाइट नहीं हुआ, एकदम कंफर्टेबल है। अभी मैं पहन के बैठी हूँ, बिल्कुल मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। सो या दैट इज़ वाई आई रियली रियली लाइक दैट। इसका जो फैब्रिक है अगेन वो भी है जॉर्जेट। इसका जो बेस्ट पार्ट है ना वो एक्चुअली में है इसका दुपट्टा। पूरे के पूरे दुपट्टा के ऊपर आप देख सकते हो ऐसा कुछ वर्क है, जरी वर्क है एंड कट वर्क भी है। जॉर्जेट का जो फैब्रिक है ना ये चीप वाला जॉर्जेट नहीं है एंड दैट इज़ वाई मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, वरना जनरली मुझे जॉर्जेट पहनना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। परफेक्ट दिवाली आउटफिट, या फिर आपके घर में कोई शादी वगैरह है उसके लिए भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अच्छा जी, मैंने नेक्स्ट पीस लिया है ना, ये है फ्रॉम द ब्रांड पोशाक हब। ये जो है ना ये बहुत ही सिंपल पीस है, आप कंसिडर कर सकते हो आपको अगर थोड़ा सिंपल कुछ पहनना है या जनरली ऐसे ही आपको डे टू डे लाइफ में भी कुर्ता सेट पहनना पसंद है, इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। आपको मिल जाएगी इसमें ना ये राउंड नेक लाइन, आप देख सकते
सकते हो। एंड देन इसके ऊपर ये थ्रेड वर्क है, व्हाइट थ्रेड के साथ में वर्क हो रखा है, बीच में ये पूरा फ्लोरल डिटेलिंग है, फुल स्लीव के साथ में ये आएगा। एंड स्लीव के एंड में जाके भी एग्जैक्टली वैसे ही थ्रेड वर्क है। देन नीचे जाके यहाँ पे इसमें ना प्लीट्स बनी हुई है, एंड इसका लेंथ जो है ना कुर्ते का, मुझे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार लगा। आप देखो जो पूरा चाप वाला जगह है ना, उसके ऊपर भी व्हाइट थ्रेड के साथ में वर्क है, तो इतना ना बहुत स्ट्रेट लुक आता है। इसकी वजह से मैंने जब पहन के देखा, आई वॉज लुकिंग वेरी टॉल। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है, एंड इफ यू वॉन्ट समथिंग जिससे आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा लगे, एक इल्यूजन क्रिएट हो, देन आई वुड रेकमेंड आप इसको कंसिडर कर सकते हो। जो बस्ट एरिया है ना, उसके अंदर लाइनिंग लगी हुई है। जो नीचे वाला पार्ट है आप देख सकते हो, इसमें लाइनिंग नहीं लगी है, पूरे के पूरे शरारा के अंदर लाइनिंग लगी हुई है। नाउ इसको ना शरारा लिखा हुआ था, बट दिस एक्चुअली इज नॉट शरारा। आप देख सकते हो इसमें बीच में कोई स्टिच नहीं है, कोई प्लीट्स नहीं है। सो या दे मैंशन दिस एज शरारा, बट दिस एक्चुअली प्लाजो, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। इसका लुक ऑलमोस्ट शरारा वाला ही आता है। मैंने इसको लिया है कुछ 1014 रुपीज़ में, बहुत अफोर्डेबल है, जॉर्जेट का ही है। एंड इसके अंदर जो फैब्रिक लगा हुआ है ना, ऐसा कुछ शैंटून करके जो फैब्रिक होता है वो लगा हुआ है, तो बहुत सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल है। इसको प्रॉपर ज्वेलरी के साथ स्टाइल करोगे ना, अगर आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ स्टाइल करोगे तो बहुत प्रिटी लगेगा। तो डेफिनेटली आई रिकमेंड। ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक इंडस का कलेक्शन, फेस्टिव कलेक्शन जो अभी आया है ना, वो बहुत ज़्यादा धांसू है। दैट इज़ वाई आई गॉट 4 sets from Indus this time. Now this one is in this beautiful magenta color and aayega ye is round neckline ke saath mein, and then iske upar aap work dekh lo, itna zyada sundar heavy embroidery hai pure ke upar, aise vertical lines ke andar jaake aayega ye pura ka pura work. Niche ke side se bhi aap dekh sakte ho neckline kuch aisi hai, aapko bandhne ke liye dori mil jayegi. Generally aapko pata hai ya to 3/4 sleeves aati hai ya fir full sleeves aati hai, but ye wala sharara sets ke andar na actually mein half sleeves mili hai, jo ki bahut zyada different, bahut pretty lagti hai. Sleeves ke upar bhi aap dekh sakte ho kitna ज़्यादा हैवी वर्क है, जरी के साथ में ही वर्क है, बीच में सीक्वन वर्क भी है। ऑब्वियसली पूरे के अंदर लाइनिंग तो होगी ही होगी, वरना बहुत ज़्यादा चुपता है स्किन के ऊपर, तो पूरे के अंदर लाइनिंग जो है ना उसके साथ में स्टिच्ड ही है। मैंने इसको लिया था स्मॉल साइज के अंदर, माशाल्लाह लाइक क्या फिट आया था, जो कलर है इतना सुंदर लग रहा था। इसको तो आप एक्चुअली में ना करवा चौथ के लिए भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसका कलर इतना ज़्यादा प्यारा है। अब ये शरारा है ना एक्चुअली में लेयरिंग में आएगा, देखो यहाँ पे स्टिच है एंड देन यहाँ पे भी स्टिच है। आई जस्ट लव कि इसके ऊपर ना यहाँ पे भी वर्क है, जनरली यहाँ पे शरारा में वर्क नहीं मिलता है। इसका जो फैब्रिक है ऑफकोर्स वो जॉर्जेट ही है, बट काफी ज्यादा प्यारा सा एंड सॉफ्ट जॉर्जेट है। इसकी जो दुपट्टा है वो आपको मिल जाएगा, ये नेट का दुपट्टा, नेट का जो क्वालिटी है इज वेरी डिसेंट। ऊपर से जो ये इसके ऊपर लेस लगी हुई है ना, काफी ज्यादा हैवी डिटेलिंग के साथ में है ये लेस डिटेलिंग। दिस इज लाइक अ 10/10 शरारा सेट फॉर मी, क्वालिटी भी बहुत ज्यादा प्रिटी है, तो दैट इज व्हाई आई जस्ट लव्ड इट। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज एक्चुअली फ्रॉम माई फेवरेट ब्रांड, विच इज ऑफकोर्स लिबास। येलो कलर, अगर हम इंडियन फेस्टिव वेयर कर रहे हैं तो येलो कलर तो बनता ही है। ये आपको मिल जाएगा सिल्क ब्रांड के फैब्रिक के साथ में, देखो इसके ऊपर नेकलाइन के ऊपर भी कितना ज़्यादा प्यारा वर्क है। एंड देन पूरे के पूरे कुर्ता के ऊपर आपको पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ में। देखने आपको लग रहा हो कि ये जरी वर्क है, बट नो यू गाइस, दिस इज एक्चुअली थ्रेड वर्क। एंड जो ये थ्रेड है ना, आई थिंक रेशम का थ्रेड है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत शाइन है, बीच बीच में इसके अंदर सीक्वन भी लगे हैं, इसके अंदर पूरे के अंदर लाइनिंग भी लगी है, तो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। दुपट्टा भी जो है वो सिल्क ब्रांड का ही है, पूरे के ऊपर दुपट्टे के ऊपर आप देख सकते हो ये लेस लगी हुई मिलेगी, इसके पास सीक्वेंस वर्क है, बीच में थोड़े बहुत यू नो बूटे भी बने हुए हैं। शरारा है ना उसके अंदर आप देखो यहाँ पे वर्क है, बहुत प्रिटी लगता है। येलो जो कलर है ना वो कैमरा के ऊपर थोड़ा सा अलग से ना ब्राइट हो जाता है। फैब्रिक इन इटसेल्फ लुक्स वेरी रिच एंड वेरी प्रिटी, एंड कलर बहुत ज्यादा प्यारा है। साइज में ही मैंने इसको लिया था, एकदम परफेक्टली मुझे फिट हुआ, टोटली रेकमेंड। नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज अगेन समथिंग विच इज वेरी सिंपल येट वेरी क्लासी। अगर आपको बहुत हैवी चीजें नहीं पहनना पसंद है ऐसी वाली, तो आप ऐसा कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। एंड इसका जो फैब्रिक है वो एक्चुअली में कुछ है जॉर्जेट एंड शिफॉन का मिक्स। देन इसके ऊपर जो प्रिंट आपको मिलेगा वो है बांधनी प्रिंट, एंड यू गाइस नो लाइक मुझे बांधनी प्रिंट ना सच में बहुत ज्यादा पसंद है। देन बीच में ना इसके ऊपर ये सिंपल सी लेस लगी हुई है, देन फुल स्लीव्स के साथ में आएगा, एंड स्लीव्स के एंड में जाके भी ये लेस लगी हुई है। नाउ इसका जो टॉप है ना, दिस एक्चुअली इज इन दिस यू नो पेपलम स्टाइलिंग, विच इज अगेन वेरी ट्रेंडी, लाइक पेपलम टॉप ना बहुत ज्यादा चल रहे हैं अभी। नाउ इसके अंदर भी जो बस्ट एरिया है ना, उसके अंदर आप देख सकते हो लाइनिंग लगी हुई है, बट जो पेपलम वाला जो जगह है इसमें लाइनिंग नहीं है। देन इसकी जो पैंट्स है एग्जैक्टली सेम प्रिंट के साथ में ही पैंट्स आ जाएंगी, एंड फिर ऑफकोर्स शरारा सेट है, तो नीचे घेरा है, पूरे के पूरे शरारा के अंदर लाइनिंग भी लगी हुई है, इलास्टिकेटेड भी है। ये वाला मैंने स्मॉल साइज में ही लिया, एंड इसके अंदर भी एक पिंक कलर अवेलेबल है, दैट वन ऑल्सो इज सो प्रिटी। आप सिंपली पॉनिटेली बनाओगे ना इसके साथ में, एंड देन आप थोड़े बहुत हैवी इयररिंग पहनोगे तो भी बहुत ज़्यादा प्यार लगेगा। दिस पीस फॉर समवन जिनको बहुत ज़्यादा हैवी डिटेलिंग या हैवी वर्क नहीं पहनना पसंद है, बट लगना चाहिए कि दिवाली का आउटफिट है, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। गॉट इज
एक्चुअली अगेन फ्रॉम लिबास एंड आपको मिल जाएगा ये कुछ पर्पलिश बर्गंडी कलर के अंदर. इसका भी जो वर्क है ना योक के ऊपर ही है मेनली, पूरा जरी वर्क आपको मिल जाएगी नोच नेक लाइन. एंड देन आप देख सकते हो उसके ऊपर जो वर्क है बहुत ज़्यादा हैवी डिटेलिंग नहीं है, एकदम परफेक्ट है, लाइक नॉट वेरी मिनिमल बट नॉट टू हैवी. 3-4 स्लीव्स के साथ में ही ये आएगा एंड स्लीव्स के एंड में भी आप देख सकते हो ऐसी ही कुछ लेस लगी हुई है. एंड जिसका फैब्रिक है वो है सिल्क ब्लेंड एंड दैट इज़ वाई दिस हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ शाइन. इसके अंदर ऑफकोर्स लाइनिंग है ये शैंटून फैब्रिक की ही, तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत कम्फर्टेबल है. नाउ इसके साथ आपको मिल जाएगा ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सा शरारा, यू नो जनरली प्लीट के साथ में आता है ना, बट ये जो फैब्रिक है आप देख सकते हो ये फैब्रिक के अंदर ही कुछ ऐसे यू नो श्रिंकिंग सा जो इफेक्ट होता है ना वैसा सा है. नाउ इसका जो दुपट्टा है ना वो आपको मिलेगा डबल शेड के साथ में. आप देखो यहाँ से थोड़ा सा लाइट है एंड देन दूसरे साइड पर जाते जाते ये थोड़ा डार्क हो जाएगा. पूरे के पूरे दुपट्टा के ऊपर ना यहाँ पे इसमें लेस लगी हुई है, पॉम पॉम्स भी लगे हुए हैं एंड बीच में ना इसके अंदर राइनस्टोन भी लगे हुए हैं. बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है बट लेंथ काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी. दिस आई गॉट फॉर ओनली एंड ओनली 2,000 rupees, फिक्स 2,000 rupees का ही है. दिस आई फील आप ना करवा चौथ के लिए भी इसको कंसिडर कर सकते हो, दिवाली के लिए तो ये है ही है. 2,000 rupees के हिसाब से दिस इज जस्ट द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज अगेन फ्रॉम इंडस. ये वाला है नेक्स्ट सेट जो कि है बहुत ही ज़्यादा प्रिटी रस्ट कलर के अंदर. नाउ आपको उसके अंदर मिल जाएगी ऐसे कुछ बोट नेक लाइन है एंड देन द वर्क ऑन दिस इज एक्चुअली सो डैम प्रिटी. लाइक आई थिंक जिसके ऊपर वर्क है ना दिस इज एक्चुअली माई फेवरेट. भरा हुआ वर्क है बट इतना कंजस्टेडली नहीं भरा हुआ कि ऐसा लगे कि बहुत ही ज़्यादा हो गया है. देन इसकी जो स्लीव्स है वो भी आपको मिल जाएंगी हाफ स्लीव. साइड में आप देखो उसके कुछ पॉम्पॉम्स भी लगे हुए हैं. इसको कुछ बांधना बांधना नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर द शो. यू नो अगर आपको वो टिपिकल रेड पिंक ऑरेंज येलो नहीं पहनना ना तो रस्ट कलर अभी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है. इनफैक्ट बहुत सारी ब्राइड्स को भी आपने देखा होगा, यू नो ब्राइडल लहंगी भी आजकल रस्ट कलर में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जो कि बहुत प्यारे लगते हैं. तो यार दिस इज़ अ लिटिल हट के कलर. इसके साथ में जो शरारा है वो आएगा थोड़ा सा ऐसे लेयरिंग के अंदर. यहाँ पे एक स्टिच है देन बीच में वापस से स्टिच है देन यहाँ पे प्लीट्स है एंड देन अगेन, तो ऐसे कुछ लेयरिंग के अंदर आएगा. तो उसकी वजह से जो घेरा है ना शरारा का वो और भी ज़्यादा हो जाएगा. लेकिन जिसका दुपट्टा है ना एकदम प्लेन जॉर्जेट का दुपट्टा ही आपको मिलेगा एंड दुपट्टा के एंड में जाके भी इसके अंदर ऐसे कुछ फ्रिल डिटेलिंग है आप देख रहे हो. आई थिंक अभी जेंडर्स का शरारा सेट का जो कलेक्शन है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है. मैंने 3 ही लिए, बहुत मुश्किल से मैंने 3 सेलेक्ट किए हैं ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं अगर इंडस में से करने बैठती ना मैं 10 सेट सिर्फ इंडस में से ही निकाल सकती थी, इतनी ज़्यादा प्यारे प्यारे सेट्स हैं. बट या दिस अगेन इज समथिंग विच यू वुड लव टोटली. जॉर्जेट का ही है, पूरे के अंदर लाइनिंग भी लगी है. आई गॉट दिस वन फॉर अराउंड 2,200 rupees, तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है एक्चुअली में, एकदम परफेक्ट प्राइसिंग है. अगर पर बजट थोड़ा बहुत टाइट भी है ना तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज ऑफकोर्स अगेन फ्रॉम इंडस एंड आई थिंक ये वाला सेट तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा ही वायरल है. इंस्टाग्राम पर भी बहुत लोगों के पास दिख लिया था. आई वाज लाइक भाई इतना हो ही रहा ना तो ट्राई कर ही लेते हैं एंड आई फाइनली गॉट दिस. इसके अंदर आई थिंक एक पर्पल कलर भी अवेलेबल है. स्वीट हार्ट नेकलाइन आपको मिलेगी एंड देन जो योक के ऊपर वर्क है काफ़ी ज़्यादा हैवी डिटेलिंग के साथ में आएगा. पूरे के पूरे के ऊपर सिक्वेन वर्क है देन नीचे जाके भी आप देख सकते हो फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड है. इसका हेम है आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर ना कट वर्क के साथ में आएगा. यहाँ पे भी काफ़ी हैवी डिटेलिंग है. देन जिसके स्लीव्स आपको हाफ स्लीव्स ही मिलेगी, स्लीव्स के ऊपर भी काफ़ी हैवी डिटेलिंग है. पीछे से ये एकदम प्लेन है एंड अंदर के साइड में इसमें पूरे में लाइनिंग लगी है. तो ये चीज़ मुझे मेंशन करना बहुत ज़रूरी कि आपके स्किन के ऊपर ये बिल्कुल लगेगा नहीं, बिल्कुल चुभेगा नहीं. यहाँ से शरारा स्टार्ट हो रहा है, बीच में कोई कटवट नहीं है, तो उसकी वजह से ना जो शरारा का फॉल आता है ना वो बहुत प्यारा आता है. लाइक मुझे ये वाला फॉल ज़्यादा पसंद है. जॉर्जेट का ही है एंड घेरा इतना ज़्यादा है कि लिटरली काफ़ी अच्छा खासा ना वेट है शरारा के अंदर. मैंने गलती से इसको एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में ऑर्डर कर दिया, बल्कि मेरा साइज़ है स्मॉल, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ना ये टाइट था. स्पेशली जो ये पैंट्स है, लाइक जो शरारा सेट है ना, बड़ी मुश्किल से, लाइक लिटरली मुझे ही पता है मैंने इसको कैसे घुसाया है. अगर आप मेरा साइज़ पहनते हो तो डेफिनेटली गो फॉर साइज स्मॉल, वो ही आपको परफेक्टली फिट होगा. नाउ इसके बाद मुझे दुपट्टा मिलेगा, दैट इज अगेन अ नेट का दुपट्टा एंड पूरे के पूरा दुपट्टा के ऊपर आपको इतनी ज्यादा हैवी लेस लगी हुई मिलेगी. आई फील एक आउटफिट के अंदर हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, बी इट कुर्ता या फिर उसकी पैंट या दुपट्टा. कोई भी चीज में कुछ भी कमी होती ना तो ओवरऑल लुक खत्म हो जाता है. बट आई एम लविंग कि दुपट्टा की लेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी है, दुपट्टा के ऊपर भी थोड़ी बहुत डिटेलिंग है, हर एक चीज के ऊपर काफी अच्छे से वर्क किया हुआ है, प्रॉपरली सोच समझ के बनाया है कि ओवरऑल लुक निकल के क्या आना चाहिए. एंड दैट इज़ वाई दिस कलेक्शन इज माई फेवरेट दिस टाइम. मैंने इसको कुछ 2,500 rupees के आसपास लिया था, अगेन क्वाइट अफोर्डेबल फॉर द काइंड ऑफ लुक दैट दिस वन गिव्स. इसके अंदर भी आपको भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं, ट्रस्ट मी अगर आप इसको खरीदोगे यू विल नॉट एट ऑल रिग्रेट इट. यू नाउ द नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग ऑफ दिस हॉल दैट आई गॉट इज दिस ब्यूटिफुल अगेन वेरी प्रिटी रस्ट ऑरेंजिश रेड कलर, लाइक मिक्स ऑफ रेड एंड ऑरेंज है. ये इकलौता सेट है जो कि एकदम प्योर कॉटन के अंदर है. फर्स्ट डे के ऊपर काफ़ी
काफ़ी हैवी डिटेलिंग है एंड देन यहाँ पे स्लीव्स के अंदर जाके भी उसके ऊपर जरी का ही वर्क है। फैब्रिक जो है ना उसका कॉटन है, तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल फील होता है स्किन के ऊपर। इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू वेयर जॉर्जेट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीसेस के अंदर जॉर्जेट ही था, तो आप कॉटन भी कंसिडर कर सकते हो। दिस ऑल्सो हैज़ मिरर वर्क बट दीज आर नॉट रियल मिरर, तो प्रिंटेड शरारा है इसके ऊपर, पूरे के ऊपर आपको फ्लोरल डिटेलिंग मिल जाएगी एंड शरारा में जहाँ जहाँ पे स्टिच है ना वहाँ वहाँ पे भी लेस लगी हुई है, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा यू नो डिटेलिंग ऐड हो जाती है। एंड में जाके आप देख सकते हो ऐसा कुछ टेम्पल गोटा है, आई मीन ये कुछ 1300 रुपये के आसपास था, बट कुछ तो कूपन कोड लग गया एंड लिटरली मुझे मिला एंजल नंबर विच इज़ 1111 विच इज़ लाइक वाओ। सो या मुझे सिर्फ 1111 का पड़ा ही। आजकल में जो दुपट्टा है ना दैट इज़ ऑल्सो प्योर कॉटन का दुपट्टा एंड पूरे दुपट्टा के ऊपर आपको ये लेस डिटेलिंग मिलेगी। आप देख लो पूरा ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है पतली पतली लेस के साथ में एंड दुपट्टा की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको 1300 में भी ये सेट मिलता है ना तभी भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। जो योक के ऊपर वर्क है उसके अंदर के साइड पे ना लाइनिंग लगी हुई है तो आपको बिल्कुल चुभेगा नहीं स्किन के ऊपर। 1100 या 1300 के हिसाब से दिस इज अ स्टील डील। छोटे मोटे फंक्शन में भी स्टाइल कर सकते हो, करवा चौथ के लिए भी ले सकते हो, दिवाली वेडिंग वेयर एवर यू वांट अ स्टाइल दिस यू कैन कंसीडर दिस वन। सो आई टोटली टोटली लव्ड इट एंड या दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई गॉट इन दिस वीडियो। डू लेट मी नो विच वन यू फाइंड द मोस्ट ब्यूटिफुल। आई लव्ड दिस वन 100% सो मच and yes I will see you guys very very soon in my next video. Till then stay safe, stay happy. I love you guys all so much. Bye.